वेलकम है आपका विजनरी टेल्स हब में। यहाँ हम आपको हर तरह की रोचक और अनोखी कहानियाँ सुनाते हैं, चाहे वो इंस्पायरिंग स्टोरीज हों, थ्रिलिंग टेल्स हों या फिर हॉरर स्टोरीज। हमारे चैनल पर आपको हर कहानी का मजा मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए एक बेहद डरावनी कहानी लेकर आए हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। सो गेट रेडी, क्योंकि ये कहानी आपके दिल की धड़कने बढ़ा देगी। हमारे साथ बने रहें और डूब जाइए इस खौफनाक सफर में। ये कहानी मेरे साथ घटित हुई थी और आज मैं इसे आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ। उस रात को याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। रात का समय था, चांदनी अपने पूरे शबाब पर थी। मैं और मेरा बेटा राहुल गांव से शहर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। मेरी सरकारी नौकरी थी और मुझे हर सोमवार सुबह ऑफिस पहुंचना जरूरी था। हमने हमेशा की तरह रात की बस पकड़ी ताकि सुबह सुबह ऑफिस पहुंच सकूं। बस का सफर शुरू हुआ। बस में कुछ ही लोग थे और सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे। बस की खिड़की के बाहर से पेड़ों की परछाइयां बड़ी तेजी से गुजर रही थीं। अंधेरे में हर चीज अजीब और रहस्यमयी लग रही थी। जैसे ही बस चलनी शुरू हुई, मैंने देखा कि बस में बैठे सारे यात्री कुछ अजीब से थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी। राहुल ने मेरा हाथ पकड़ा और धीमी आवाज में बोला, पापा मुझे डर लग रहा है, ये लोग अजीब हैं। मैंने उसे दिलासा देने की कोशिश की, डरने की जरूरत नहीं बेटा, सब ठीक है। लेकिन अंदर से मैं भी कांप रहा था। बस धीरे धीरे एक सुनसान रास्ते पर बढ़ती जा रही थी जहां चारों ओर घना जंगल था। अचानक बस के ड्राइवर ने एक जोरदार हंसी हंसनी शुरू की। उसकी हंसी बस की खामोशी को चीरते हुए हर यात्री के दिल में खौफ भरने लगी। मैंने ड्राइवर की ओर देखा और पाया कि उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद थीं, जैसे कि उसमें कोई जान ही ना हो। अब मैं और राहुल समझ गए थे कि ये सफर सामान्य नहीं था। बस में बैठे सारे यात्री धीरे धीरे अपनी सीट से उठने लगे और उनकी आंखों से खून के आंसू बहने लगे। हर यात्री की हालत और भी ज्यादा डरावनी होती जा रही थी। मैंने बस को रुकवाने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर ने मेरी बात को अनसुना कर दिया और बस की गति बढ़ा दी। राहुल जोर जोर से रोने लगा और मैंने उसे गले लगाकर दिलासा देने की कोशिश की। एक यात्री जो अब एक भूत जैसा दिख रहा था मेरे पास आया और बुदबुदाने लगा, तुम्हें यहां से बचकर जाना होगा वरना तुम्हारी आत्मा भी हमारी तरह फंस जाएगी। मैंने देखा कि बस का रास्ता अब एक पुराने टूटे हुए पुल की ओर जा रहा था। मुझे समझ आ गया था कि अगर बस ने उस पुल को पार किया तो हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे। मैंने हिम्मत जुटाकर बस के ड्राइवर पर झपटा और स्टीयरिंग को घुमा दिया। बस जोरदार झटके के साथ रुक गई और सभी यात्री चिल्लाने लगे। मैंने राहुल को उठाया और बस से बाहर कूद गया। हमने देखा कि बस के सारे यात्री धीरे धीरे धुएं में बदलने लगे और हवा में गायब हो गए। ड्राइवर की खौफनाक हंसी अब भी गूंज रही थी। हम किसी तरह वहां से भागकर एक गांव तक पहुंचे। गांव पहुंचकर हमने अपनी जान की सलामती पर भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन जब मैंने पुलिस को उस बस और ड्राइवर के बारे में बताया तो पुलिस ने कहा कि उस नंबर की बस तो कई साल पहले एक भयानक हादसे में टूट गई थी और उसके सारे यात्री मारे गए थे। ये सुनते ही मेरी और राहुल की रूह कांप उठी। हमने समझ लिया कि उस रात हमने एक खौफनाक सफर तय किया था जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो और आप और भी ऐसी ही रोमांचक और डरावनी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल विजनरी टेल्स हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी नई कहानी मिस न करें। धन्यवाद, और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।